कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर, दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा की जनता को दिल से धन्यवाद, दुष्यंत चौटाला ने अपने पोस्ट में ये लिखा। उन्होंने लिखा कि हमने जनता के हर काम करवाने की कोशिश की है, हर वर्ग और हर क्षेत्र में काम करवाए। दुष्यंत चौटाला ने यह बातें लिखी है सोशल मीडिया पोस्ट पर। दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है सरकार से अलग होने के बाद, और प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हरियाणा की जनता को दिल से धन्यवाद, हमने जनता के हर काम करवाने की कोशिश की है। ये बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी हैं, हर वर्ग और हर क्षेत्र में काम करवाए हैं। दुष्यंत चौटाला का यह बयान सामने आया है, ये एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा कि सभी हरियाणा वासियों को मेरा नमस्कार, आपने मुझे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया, इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा के हित और जनता के कार्यों के लिए आपका समर्थन और सहयोग मेरे लिए हमेशा ऊर्जादायक रहा है। सीमित समय और सीमित संख्या के साथ हमने दिन रात हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए लगाए हैं और हमने हरियाणा के हर वर्ग और हर क्षेत्र में काम सरकार में करवाए हैं। ये बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखी। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया, उनके जवाब का इंतजार था कि आखिर अब क्या कहेंगे। दुष्यंत चौटाला की ओर से जो लिखा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा की जनता को धन्यवाद कहा गया है, हमने जनता के काम करवाने के प्रयास किए, दावा कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला। हर वर्ग और हर क्षेत्र के कार्य करवाए हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। आपने मुझे हरियाणा के डिप्टी सीएम के तौर पर हरियाणा की सेवा करने का अवसर दिया। हालांकि अब सवाल बहुत होंगे कि जनता ने मौका दिया या फिर नहीं, क्योंकि जनता ने 10 सीटें दुष्यंत समेत 10 सीटें जीतकर विधानसभा पहुंची थी। जेजेपी विपक्ष में बैठने का मैंडेट, हम जो कहें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी और जेजेपी, क्योंकि बीजेपी के साथ चली गई थी आज गठबंधन टूटा के चुनाव से ठीक पहले। और अब दुष्यंत ये कह रहे हैं कि आपने मौका दिया डिप्टी सीएम के तौर पर कार्य करने का, उसके लिए धन्यवाद कह रहे हैं। हर वर्ग हर क्षेत्र के कार्य करने का प्रयास किया गया। तो अब बहुत सारे सवाल उठेंगे, अब विरोधी भी सवाल पूछेंगे, अब वोटर्स भी सवाल पूछेंगे, जिन लोगों ने 2019 में समर्थन किया था वो भी दुष्यंत से सवाल अब करने वाले हैं।